आप बता सकते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन क्या है? सो उद्यम रजिस्ट्रेशन इज अ रिकॉग्निशन दैट एमएसएमई बिजनेसेस गेट हेलो, वेलकम टू देयासरा फाउंडेशन। आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट देवयानी है और वो हमें उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ बताने वाली है। देवयानी वेलकम, आप बता सकते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन क्या है? हाय आनंद, सो उद्यम रजिस्ट्रेशन इज अ रिकॉग्निशन दैट एमएसएमई बिजनेसेस गेट। सो अगर आप माइक्रो स्मॉल या मीडियम बिजनेसेस हो, मतलब अगर आपका टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट की लिमिट उस ब्रैकेट में हो एंड यू वांट टू गेट योर बिजनेस रजिस्टर्ड एज एन एमएसएमई, देन आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन को अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, और मेरे पास उद्योग आधार पहले से ही है तो फिर से करना पड़ेगा या ये कुछ अलग चीज है? यानी उद्योग आधार अलग है, उद्यम रजिस्ट्रेशन अलग है, क्या है? सो यस, सो उद्योग आधार 1 जुलाई 2020 से पहले उद्योग आधार कहा जाता था, अभी उसका नाम बदल के उद्यम रजिस्ट्रेशन हो गया है। और यस, अगर आपके पास उद्योग आधार होगा तो टिल 31 मार्च 2021 यू विल हैव टू गेट योर बिजनेस री रजिस्टर्ड एंड गेट उद्यम रजिस्ट्रेशन। अच्छा, क्या ये मैंडेटरी है और कौन से बिजनेसेस ने लेना चाहिए? एक अगर मेरा ट्रेडिंग बिजनेस है तो मुझे उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए क्या? सो नो, उद्यम रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी। अगर आपको आपके बिजनेस के लिए एमएसएमई रिकॉग्निशन चाहिए एंड यू आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री, देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन। सो बेसिकली इट इज नॉट मैंडेटरी और ट्रेडिंग बिजनेसेस उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। अच्छा, और इसके बेनिफिट्स क्या है देवयानी? सो जैसे पहले मैंने कहा, उद्यम रजिस्ट्रेशन से आपके बिजनेस को एमएसएमई रिकॉग्निशन मिलता है। एक एमएसएमई रिकॉग्निशन मिलने से जो एमएसएमई के लिए बहुत सारे स्कीम्स आते हैं, जैसे अभी आत्मनिर्भर आया था पैकेज, और गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लाती है जिसके लिए मैंडेटरी है एमएसएमई होना, उसके लिए चाहिए आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद बहुत सारे सब्सिडीज मिलते हैं, इंटरेस्ट रेट्स, लोन पे सब्सिडी मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे सब्सिडी मिलती है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में सब्सिडीज मिलती है। सो बेसिकली एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट एन एमएसएमई कैन गेट, फॉर दैट यू विल हैव टू मैंडेटरीली हैव उद्यम रजिस्ट्रेशन। अच्छा, और क्या इसको एक्सपायरी होती है? उद्यम का कुछ एक्सपायरी डेट होता है उद्यम रजिस्ट्रेशन का? सो नो, उद्यम रजिस्ट्रेशन डज नॉट हैव एक्सपायरी, बट जैसे मैंने कहा माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए है। सो वंस यू शिफ्ट फ्रॉम माइक्रो टू स्मॉल, स्मॉल टू मीडियम या फिर मीडियम टू स्मॉल, अगर आपका कोई ये ब्रैकेट शिफ्ट हो जाए तो यू विल हैव टू रिवाइज योर डिटेल्स, बट टिल यू आर विद इन दैट ब्रैकेट और आपके कोई डिटेल्स चेंज नहीं होते, देयर इज नो एक्सपायरी। अच्छा, तो देवयानी हम हमारे दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि ये सर्विस अवेल कैसे करेंगे। तो आप देयासरा के वेबसाइट पे आ जाइए www.deyasra.in, वहां पे आपको एक सर्विसेस टैब दिखाई देगा। वहां पे जब आप क्लिक करेंगे तो उद्यम रजिस्ट्रेशन करके एक टैब होगा, वहां क्लिक करने से एक छोटा सा फॉर्म आ जाएगा। वहां पे हमने जो अभी ये इन्फॉर्मेशन बोली, जिसके बारे में छोटे क्वेश्चंस हैं, उनको आप आंसर कीजिए और रिक्वेस्ट सर्विस कीजिए। उसी के बाद आपको एक कॉल आ जाएगा हमारी टीम से, वो आपको आपके बिजनेस के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे और कंफर्मेशन लेंगे, और जैसे आपका आपका पेमेंट कर देंगे, जो पेमेंट लिंक आपको भेजी जाएगी, पेमेंट करने से आपकी सर्विस शुरू हो जाएगी और आपका जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है वो प्रोसेस आप इसमें कंप्लीट कर पाएंगे। तो देवयानी ने हमें बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी, तो थैंक यू सो मच देवयानी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू आनंद।